नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुगर को कंट्रोल करने के कुछ घरेलू टिप्स। वैसे आज के समय में शुगर एक आम बीमारी बन गई है। हमारे खान पान पर नियंत्रण ना होना भी शुगर होने का बड़ा कारण है। मधुमेह होने पर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अभी तक शुगर को जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है, पर खून में रक्त शर्करा को कंट्रोल करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिन्हें आजमा करके आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर एक है करेला। करेला में ग्लूकोज की मात्रा ना के बराबर होती है, जिससे ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे खाने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और वे अच्छे से काम करते हैं। करेला दोनों तरह की डायबिटीज बीमारी को कंट्रोल करने में सहायक होता है। करेले का जूस निकाल कर उसमें थोड़ा पानी मिला लें। अब इसे रोज सुबह खाली पेट पिएं। इससे आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल होगी और आप करेला की सब्जी भी रोज के खाने में जरूर खाएं। नंबर दो है तुलसी। तुलसी में शरीर में ब्लड शुगर को कम करने की क्षमता होती है। तुलसी के रस को निकाल लें। अब सुबह खाली पेट 2 चम्मच तुलसी के रस को पिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। नंबर 3 है मेथी। मेथी शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। 1 कप पानी में 2 चम्मच मेथी को रात भर भिगोएं। अगले दिन सुबह खाली पेट पानी के साथ मेथी भी खाएं। कुछ महीने तक लगातार यह प्रक्रिया करें। नंबर 4 है दालचीनी। दालचीनी टाइप 2 डायबिटीज होने पर उसे कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और रोज सुबह पिएं। इसके अलावा 2 से 3 दालचीनी स्टिक को 1 कप पानी में उबालें, इसे ठंडा कर रोज पिएं। इसके अलावा आप दालचीनी पाउडर को सलाद, सूप व चाय में भी डालकर ले सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। नंबर 5 है आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है, जो डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायता करता है। 2 से 3 आंवला को पीसकर पेस्ट बना लें। इसे एक कपड़े में लपेटकर निचोड़ लें, जिससे इसका जूस निकल आएगा। अब रोज सुबह खाली पेट 2 चम्मच जूस को 1 कप पानी में मिलाकर पिएं। ऐसा करने से आपकी डायबिटीज बहुत जल्द कंट्रोल होगी। नंबर 6 है जामुन। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जामुन रामबाण की तरह काम करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व ब्लड शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। जामुन की पत्ती, फल, बीज सभी डायबिटीज कंट्रोल में सहायक हैं। जामुन मौसमी फल है, इसलिए जब भी यह आए इसे ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में सम्मिलित जरूर करें। जामुन हमारे भारतीय बाजार में आसानी से मिल जाती है। आप चाहे तो इसकी गुठली को सुखाकर पीस लें और पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ खाएं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आपकी डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। नंबर 7 है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती डायबिटीज कंट्रोल करती है। आप सुबह खाली पेट 8 से 10 ताजी पत्तियां चबाएं। इसके अलावा आप पत्तियों का जूस निकालकर सुबह पिएं। 2 से 3 महीने लगातार करते रहने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। इसे रोज पीने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिन्हें आजमा करके आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में ही मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।